नमस्कार। सरल संस्कृत व्याकरण अध्ययन में आप सबका स्वागत है। व्याकरण के अनुष्ठान में आज एक सूत्र लेके आया हूँ। वो सूत्र है द्वंद्वे च। ये द्वंद्वे च सूत्र पहले अध्याय में पहले पाद में 31 नंबर का सूत्र है और यह सूत्र भी सर्वनाम संज्ञा का निषेध करता है। इससे तात्पर्य क्या है कि इससे पहले भी या इसके सिवाय भी कोई सूत्र सर्वनाम संज्ञा का निषेध करता है तो हमको पता है, न बहुव्रीहो है, तृतीया समासे है, ये दो सूत्र जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो दो सूत्र सर्वनाम संज्ञा का निषेध करते हैं। उन दोनों सूत्रों के साथ साथ यह सूत्र भी सर्वनाम संज्ञा का निषेध करता है। अब केवल सूत्र तो है द्वंद्वे च, मतलब द्वंद्व में भी, इतना ही इस सूत्र से अर्थ निकलता है। तो आपको कैसे पता चला कि द्वंद्व में भी सर्वनाम संज्ञा का निषेध होगा? तो वो अनुवृत्ति से पता चलेगा। अनुवृत्ति से कैसे पता चलेगा, अनुवृत्ति क्या चीज है? तो आप ये समझ लीजिए कि पूर्व के वाक्यों से या पूर्व के सूत्रों से कुछ शब्दों को हम बाद के सूत्र में ले आते हैं, उसको अनुवृत्ति कहते हैं। जैसे संदर्भ वश जो होता है, जैसे आपसे किसी ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, तो आप केवल बोलेंगे मंदिर। एक शब्द मंदिर बोलने से ही मैं मंदिर जा रहा हूं, इतने सारे शब्दों का उसको अर्थ पता चल जाएगा, इतने सारे शब्द उसके दिमाग में आ जाएंगे। वो कैसे आ जाएंगे? क्योंकि पूर्व के वाक्य जो उसने पूछा था तुम कहाँ जा रहे हो, उससे और सभी शब्दों का उसने अध्याहार कर लिया और सभी शब्दों की अनुवृत्ति कर ली। इसलिए केवल जैसे मंदिर कह देने से मैं मंदिर जा रहा हूं ऐसा बोध हो जाता है, उसी तरह केवल द्वंद्वे च कह देने से द्वंद्व समास में भी सर्वनाम संज्ञा का निषेध होता है ऐसा हमको बोध होगा। कैसे? क्योंकि इससे पहले जो दो वाक्य हैं, इससे पहले वाक्य हैं सर्वादिनी सर्वनामानी जो वाक्य है, सूत्र है, उस सूत्र से पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है, और फिर न बहुप्रीह सूत्र है उससे न की अनुवृत्ति आ रही है। तो सर्वादीनी सर्वनामानी न द्वंद्वे च ऐसा हो जाएगा। देखिए वही मैंने यहाँ लिखा है, द्वंद्वे च सर्वादीनी सर्वनामानी न। द्वंद्वे च मतलब द्वंद्व समास में, ये देखिए एक एक शब्द, ये अनुवृत्ति के द्वारा प्राप्त अर्थ है। अनुवृत्ति मतलब पूर्व के सूत्रों से कुछ शब्दों को उतार लेना, ऐसे के जैसे संदर्भ बस। तो सर्वादीनी सर्वनामानी पूरे सूत्र को उतार लिया है, न बहुव्रीहो से न को उतार लिया है। तो द्वंद्वे च सर्वादीनी सर्वनामानी न, ये अनुवृत्ति के द्वारा जो प्राप्त हुआ अर्थ है। अब द्वंद्वे का मतलब द्वंद्व समास में, जो चार्थे द्वंद्व सूत्र से द्वंद्व समास होता है उस द्वंद्व समास में, च मतलब भी, द्वंद्व समास में भी, सर्वादीनी मतलब सर्व इत्यादि 35 शब्द, सर्वनामानी मतलब सर्वनाम संज्ञक, न मतलब नहीं होते हैं। तो द्वंद्व समास में भी सर्व इत्यादि 35 शब्दों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है, यही सूत्र का अर्थ हो गया। अब इसके बाद उदाहरण इसका देख लेते हैं। पूर्वापराणाम दक्षिणोत्तर पूर्वाणाम कतर कतमानाम वर्णाश्रमेतराणाम, इन ये जो सभी उदाहरण है, पूर्वाश्च अपराश्च इति पूर्वापराः तेषां पूर्वापराणाम, दक्षिणाश्च उत्तराश्च पूर्वाश्च इति दक्षिणोत्तर पूर्वाः तेषां दक्षिणोत्तर पूर्वाणाम, ऐसा सब समास होगा। ये मैं कुछ आगे की कुछ स्लाइड्स में इन सभी रूपों को सिद्ध करूंगा, वो हम उस समय देखेंगे। ये समझ लीजिए कि ये जो चार उदाहरण मैंने यहाँ दिए हैं, चार के चारों उदाहरण द्वंद्व समास के हैं। तो इन सभी उदाहरणों में द्वंद्व समास है, इसलिए सर्वादीनी सर्वनामानी सूत्र के द्वारा जो प्राप्त सर्वनाम संज्ञा है, क्योंकि सर्व इत्यादि शब्दों में पूर्व परावर दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम, जो उसमें पर शब्द का भी आया, अपर शब्द आया है, फिर दक्षिण ये पूर्व शब्द भी आया पूर्वापराधीश में, फिर कतर ये क्या कहते हैं डतर डतम अन्य अन्यतर इतर इस ये सब शब्द, यानी आप 35 शब्द देखेंगे वो, तो उन सभी 35 शब्दों में दो प्रत्ययांत भी है, डतर प्रत्ययांत और डतम प्रत्ययांत। तो वो शब्द ये देखिए किम धातु से डतर, किम धातु से डतम प्रत्यय, तो कतर कतम ऐसा शब्द बनता है। तो डतर डतम प्रत्ययांत होने के कारण इनकी भी सर्वनाम संज्ञा है। कौन से सूत्र से? सर्वादीनी सर्वनामानी सूत्र से सर्वनाम संज्ञा इन सब की प्राप्त है। वर्णाश्रमे तराणाम जो इतर शब्द है उसमें भी, उस इतर शब्द की भी सर्वादीनी सर्वनामानी शब्द से सूत्र से सर्वनाम संज्ञा प्राप्त है। परंतु
द्वंद्वे च सूत्र उसका निषेध कर देगा। द्वंद्वे च सूत्र कहेगा कि द्वंद्व समास में आने वाले सर्व इत्यादि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। तो भले ही ये सर्व इत्यादि शब्दों में से ही शब्द हैं, लेकिन द्वंद्व समास में आ जाने के कारण इनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, और सर्वनाम संज्ञा का निषेध हो जाने के कारण आमि सर्वनाम नः सूत्र इत्यादि जो सर्वनाम विषयक सूत्र हैं, वो सभी सूत्र यहाँ पर नहीं लगेंगे। इसके बारे में आप देखिए प्रथमा वृत्ति में क्या लिखा है, वो देख लेते हैं। द्वंद्वे सप्तम एक वचन है, च ये अव्यय है। यहाँ पर अनुवृत्ति जो मैं बताया हूँ न की आ रही है, न बहुव्रीहौ सूत्र से, और सर्वादीनि सर्वनामानि सूत्र से सर्वादीनि सर्वनामानि की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ क्या है द्वंद्वे समास में, देखिए तो क्या हो जाएगा, द्वंद्वे च सर्वादीनि सर्वनामानि न, यही ये अनुवृत्ति के द्वारा अर्थ प्राप्त हो जाएगा। तो द्वंद्वे समास से सर्व इत्यादि शब्द सर्वनाम संज्ञक न होते हैं, नहीं होते हैं। द्वंद्वे समास से सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञकानि न भवन्ति। उदाहरण क्या है इसका, पूर्वापराणाम, दक्षिणोत्तर पूर्वाणाम, कतर कतमानाम, ये तीन उदाहरण दिए हैं। सभी उदाहरणों को मैं वहां आगे के स्लाइड्स में सिद्ध करूंगा, तो उस समय आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब ये देखिए इसका भाषार्थ जो मैं बता चुका हूं, बार बार इसलिए बता रहा हूं कि ये विषय दृढ़ हो जाए, इस विषय को आपको फिर कभी कोई प्रश्न हो तो आपकी इस सूत्र के बारे में कोई समस्या ना हो। तो द्वंद्व समास में च मतलब भी सर्व आदियों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। अब यहां से जो द्वंद्वे है ना, द्वंद्वे च सूत्र में इस द्वंद्वे जो एक शब्द है उसकी अनुवृत्ति एक एक इकतीस तक जाएगी, एक एक इकतीस तक द्वंद्वे की अनुवृत्ति जाएगी। इससे क्या पता चलेगा कि एक 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 इकतीस है, कुछ लोगों के हिसाब से एक एक इकतीस है, तो एक एक बत्तीस तक जाएगी। यानी आगे का जो सूत्र है विभाषा जसी, उस सूत्र में भी इस द्वंद्वे च की अनुवृत्ति जाएगी, द्वंद्वे च में स्थित जो द्वंद्वे शब्द है उसकी अनुवृत्ति जाएगी। तो वो विभाषा जसी जो सूत्र वो क्या कहेगा, द्वंद्वे विभाषा जसी सर्वनाम संज्ञा सर्वादीनि सर्वनामानि न, ऐसा वो उसका अर्थ होगा, वो हम कल उस सूत्र को देखेंगे। लेकिन अब इसके उदाहरण जो हैं वो सभी देख लेते हैं। इस सूत्र का केवल इतना ही तात्पर्य हुआ कि द्वंद्व समास में आने वाले सर्व इत्यादि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है। उदाहरण देखते हैं, पहला उदाहरण वहां मैंने दिखाया था, आप देखेंगे तो यहाँ पूर्वापराणाम, फिर दक्षिणोत्तर पूर्वाणाम, कतर कतमानाम, वर्णाश्रमे तराणाम, ये चारों उदाहरण को मैं यहाँ सिद्ध कर रखा हूँ, देख लेते हैं। पहला उदाहरण था पूर्वापराणाम, इसमें क्या है, पूर्वाश्च अपराश्च इति पूर्वापराः तेषां पूर्वापराणाम, इसमें क्या होगा, पूर्वाः अपराः इन दोनों शब्दों का चार्थे द्वंद्व सूत्र से समास होगा। तो पूर्वाह और अपराह का जब समास होगा तो पूर्वजस अपरजस ऐसी स्थिति होगी, क्योंकि प्रथम बहुवचन का जस प्रत्यय है, पूर्वजस अपरजस ऐसा होगा। सुपो धातु प्रातिपदिक से जो जस जस है उन दोनों जस का प्रातिपदिक संज्ञा होने के कारण लुक हो जाएगा, तो केवल पूर्व और अपर बचेगा, जोड़ेंगे तो पूर्वापर हो जाएगा। तो पूर्वापर जो शब्द बना, उस पूर्वा पर शब्द को षष्ठी बहुवचन में ले जाएंगे, तेषाम कहा गया है ना, तो षष्ठी बहुवचन में जब हम ले जाएंगे तो आम प्रत्यय होगा, नस ओस आम, आप देखेंगे षष्ठी बहुवचन का ये प्रत्यय आम। किस सूत्र से हुआ, सौजसमौष्टाभ्याम भिस्केभ्याम भिस, इस सूत्र से आम प्रत्यय हुआ षष्ठी बहुवचन का, तो पूर्वा पर आम। अब यहां पर नुट आगम होगा, पूर्वा पर नुट आम, सूत्र कौन सा है, ह्रस्व नद्यापो नुट, वो कहता है कि ह्रस्व जिसके अंत में हो ऐसे शब्द, या नदी संज्ञक शब्द, या आकारांत शब्द से आम शब्द में पर आम पर में हो तो नुट आगम होता है। तो नुट आगम होगा, उस नुट में से ऊ उच्चारण के लिए इसलिए निकल जाएगा, ट हल अंतिम से निकल जाएगा, केवल न बचेगा। पूर्वा पर न आम जोड़ेंगे नाम हो जाएगा, ही देखिए पूर्वा पर नाम हो गया। लेकिन ये जो पूर्वा पर नाम है उस र में जो अ है उसका नाम ही सूत्र से दीर्घ हो जाएगा, तो पूर्वा परा नाम, इसको जोड़ेंगे तो अटकुप्वांगनुम व्यवायपी सूत्र से, इस पूर्वा परा नाम में जो न है उसको अटकुप्वांगनुम व्यवायपी सूत्र से न हो जाएगा, तो पूर्वा परा अणाम ऐसा सिद्ध हो जाएगा।
इधर देखिए, ये दूसरा उदाहरण सिद्ध किया, कतरेच कतमेच इति कतर कतमा तेषां कतर कतमा नाम। अब देखिए कतर कतम शब्द बन गया, कतरे और कतमे ये दो शब्द हैं, कतर डतर और डतम प्रत्ययांत। तो कतर जस कतम जस ऐसी स्थिति रहेगी, इसकी समास हो गए, इसका समास होगा अलौकिक विग्रह, ऐसे अलौकिक विग्रह का, तो समास होने के कारण कृतद्धित समासाश्च से उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी, और प्रातिपदिक संज्ञा होने के कारण सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र के द्वारा उसमें अलौकिक विग्रह में जो जस जस आपको दिखाई दे रहा है, कतर जस कतम जस, उस दोनों जस का लुक हो जाएगा, कतर कतम बचेगा। तो ये जो कतर कतम बचा, इस कतर कतम शब्द की फिर से प्रातिपदिक संज्ञा मानी जाएगी, क्योंकि एक देश विकृतम अनन्यवत परिभाषा कहती है, भले ही उसके एक देश विकृत हो गया है, कि जैसे पहले प्रातिपदिक संज्ञा हुई थी कतर जस कतम जस की, तो कतर अब तो ना यहाँ पे कतर जस कतम जस है नहीं, यहाँ तो केवल कतर कतम है, तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हम कैसे मानेंगे, हम तो कतर जस कतम जस को प्रातिपदिक संज्ञा मानेंगे, तो ये गलत है, कतर कतम को भी प्रातिपदिक मानना पड़ेगा। जैसे कुत्ते का पूंछ कट गया तो क्या वो कुत्ता नहीं रहेगा, कुत्ते का पूंछ कटने के बाद भी जैसे कुत्ता कुत्ता ही रहता है, वैसे प्रातिपदिक में आने वाले जस का लुक हो जाने के बाद कारण के बाद भी एक देश उसमें उसका विकार आ गया है, फिर भी वो कतर कतम प्रातिपदिक ही रहेगा। जैसे एक आदमी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा है तो वो उसका नाम मोहम्मद है, कोई भी हो या कुछ भी नाम है उसका, तो क्या दाढ़ी उसने कटवा लिया तो क्या वो नहीं रहेगा, रहेगा ही, लेकिन उसका एक देश में थोड़ा सा विकार आ गया है, और विकार आ गया है फिर भी वो वही रहेगा। तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हुई थी कतर जस कतम जस की, उसमें से जस और जस दोनों का लुक हो गया, एक देश में विकार आ गया, फिर भी ये प्रातिपदिक रहेगा और प्रातिपदिक होगा, इसलिए यहाँ प्रातिपदिकात के न्याय से सौज समोच्छस ये जो सूत्र लिखा है इसी से षष्ठी बहुवचन में आम प्रत्यय होगा। आम प्रत्यय जब होगा तो कतर कतम आम ऐसी स्थिति में नुट आगम होगा, कतर कतम नुट आम ऐसी स्थिति होगी। नुट में यहां मैंने पहले यहां इसी तरह की स्थिति है, ह्रस्व अध्यापो नुट सूत्र से नुट आगम हुआ, क्योंकि यह ह्रस्वांत शब्द है, नुट होने के कारण नुट में से केवल न बचेगा ऊ उच्चारण के लिए है, ट हलंत्यम से संज्ञा होगी, दोनों का लोप हो जाएगा, तो केवल कतर कतम आम बीच में न है, कतर कतम नाम, फिर नामी सूत्र लगेगा, नामी सूत्र जो कतर कतम में आने वाला म है उसको दीर्घ कर देगा, तो कतर कतमा नाम, यहाँ न को ण नहीं होगा क्योंकि बीच में र के बाद यहाँ त का व्यवहार आ रहा है, त का व्यवधान आ रहा है, त अट में भी नहीं आता है, कु में भी नहीं आता है, पु में भी नहीं आता, इसलिए कहीं भी वो नहीं आता है, तो इसलिए यहाँ पे अट कुपवांग नुम व्यवाय पी सूत्र नहीं लग पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में त का व्यवधान है, र के बाद और न के बीच में, र और न के बीच में यदि अट प्रत्याहार कु यानी कवर्ग और पु यानी पवर्ग और आंग और नुम का व्यवधान हो तो ही अणत्व तो होता है, यहाँ तो त का व्यवधान है इसलिए अणत्व तो नहीं होगा, तो कतर कतमा नाम रूप बनेगा। यहाँ पे जानने वाला इस सूत्र का विषय क्या है कि आमी सर्वनाम सुट सूत्र यहाँ नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि ये जो पूर्वापर शब्द बना ये द्वंद्व समास युक्त शब्द है, कतर कतम शब्द बना वो भी द्वंद्व समास युक्त है, भले ही ये सर्व इत्यादि शब्दों में इस कतम शब्द का नाम है, सर्वादि शब्द में इस अपर शब्द का नाम है, लेकिन फिर भी इसकी सर्वनाम संज्ञा क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये द्वंद्व समास में आ गई, और द्वंद्व समास में आने वाले सर्व इत्यादि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती है, इसलिए सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, तो आम ही सर्वनाम न सुट सूत्र से जो सुट आगम होता था वो सुट आगम नहीं होगा, सभी ह्रस्व आकारांत साधारण शब्दों की तरह नुट आगम होगा, ह्रस्व अध्यापो नुट सूत्र से आमी सर्वनाम न सुट नहीं लगेगा, क्योंकि ये सर्वनाम है ही नहीं, यदि सर्वनाम होता तो कतर कतमे शाम पूर्वापरे शाम ऐसा रूप बनता। अब देखिए पूर्वापराणाम बना और कतर कतमा नाम बना, इसी तरह दक्षिणाश्च उत्तराश्च पूर्वाश्च इति दक्षिणोत्तर पूर्वाः तेषां दक्षिणोत्तर पूर्वाणाम ऐसा जो रूप बनता है,
देखेंगे तो क्या होता है कि दक्षिणाश्च उत्तराश्च पूर्वाश्च, ये तीन शब्द मिलेंगे तो दक्षिणोत्तर पूर्व शब्द बनेगा। दक्षिणोत्तर पूर्व शब्द बहुवचन में दक्षिणोत्तर पूर्वाह रहेगा, षष्ठी बहुवचन का आम प्रत्यय जब उसमें लगाएंगे तो दक्षिणोत्तर पूर्वा नाम रूप बनेगा, दक्षिणोत्तर पूर्वे शाम नहीं बनेगा। इसी तरह की प्रक्रिया है उसमें भी। वर्णाश्च आश्रमाश्च इतरे च, वर्ण आश्रम और इतर का चार्थे द्वंद शब्द सूत्र से द्वंद्व समास हुआ तो वर्णाश्रमेतर ऐसा शब्द बन गया। वर्णाश्रमेतर शब्द बहुवचन में है, यहाँ वर्णाश्रमेतरा, उस वर्णाश्रमेतर शब्द में षष्ठी बहुवचन लगाएंगे तो वर्णाश्रमेतराणाम तराणाम ऐसा रूप बनेगा, वर्णाश्रमेतराणाम। अब ये सभी जो शब्द बन रहे हैं इन सभी उदाहरणों में सर्वनाम संज्ञा न होने के कारण आमि सर्वनामनः सूत्र इत्यादि सर्वनाम विषयक सूत्र नहीं लगेंगे और पूर्वेशाम अपरेशाम इतरेशाम इत्यादि सर्वनाम की तरह रूप न होकर सामान्य शब्दों की तरह ही रूप बनेंगे। अस्तु आज के सूत्र में इतना ही। केवल इस सूत्र में हमको ये जानना है कि सर्व इत्यादि शब्द यदि द्वंद्व समास में आते हैं तो उनकी द्वंद्वे च सूत्र से सर्वनाम संज्ञा का निषेध हो जाता है और सर्वनाम संज्ञा का निषेध हो जाता है इसलिए सर्वनाम विषय कोई भी कार्य वहां पर नहीं होता है। अस्तु आज के सूत्र में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।